विचलित सा हो गया और घर वाले भी थोड़ा आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पारिवारिक लिंग था। तो ये दुख की घड़ी जो है उसे नहीं हो रही है, बहुत प्रेम था उनसे। जी नमस्कार, मैं मदन पेंटर रावसर से। राजू जी पंजाबी बहुत छोटे थे तभी वो गीत संगीत के इच्छुक थे, लेकिन उन्हें भजन सिर्फ एक ही आता था। और धीरे 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 उन्होंने बहुत ही मेहनत, कड़ी मेहनत की इस व्यवसाय में, तो आज उनका नाम खूब चमक रहा है। कभी मैं भी मंच पर अपनी कला दिखाता था तो राजू पंजाबी सामने यहाँ हमारे बैठे रहते थे नीचे, तो वो गौर से मुझे देखते थे। लेकिन एक दिन मैंने राजू से बोला कि यार एक दिन आप मंच पर हो और मैं नीचे बैठकर आपको देखूं, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो वो मौका हमें, हमारा सौभाग्य नहीं था कि वो पा सके। बाकी मैं राइटर भी हूँ, भजन और गज़ल वगैरह लिखता हूँ, तो मेरे गाने भी राजू ने काफ़ी गाए। और बड़ा ही नेक दिल इंसान था, और हर होली और दिवाली पर बकायदा स्पेशल घर पे आके आशीर्वाद लेता था। और हमारे पारिवारिक लिंक भी थे, और इनके परिवार में और भी संगीतकार गीतकार हैं, जो इनके बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो भी गीत संगीत से जुड़े हैं। तो बड़ा दुख हो रहा है आज, पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। 6:30 बजे मुझे फ़ोन आया हिसार से, श्री राम जी ने किया था, इनके बड़े भाई ने। तो मैं विचलित सा हो गया और घर वाले भी थोड़ा आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पारिवारिक लिंग था। तो ये दुख की घड़ी जो है उसे नहीं हो रही है, बहुत प्रेम था उनसे, तो ईश्वर उनको अपने चरणों में लगाए, यही प्रार्थना करते हैं। उसको जानने वाले, उसको सुनने वाले आज जितने भी यहाँ आए थे सभी की आंखें नम थी, बहुत ज़्यादा इसका दुख है कि राजू पंजाबी आज हमारे बीच में नहीं रहे, और हरियाणा के बहुत बड़े स्टार जो है मानने जाने वाले। तो जी आप क्या कहेंगे आज इस दुख की घड़ी? राजू पंजाबी एक बहुत ही गरीब घर से, सामान्य परिवार से, और आज तो ऐसा लग रहा है कि राव सर का चांद ही छुप गया हमारे लिए। तो ये छोटी सी उम्र के अंदर अपना बहुत बड़ा नाम किया कमाया, और ख़ास तौर पर हरियाणा के अंदर तो बच्चे बच्चे के नाम पे राजू पंजाबी है। और हमारे तो जैसे सुबह 7 बजे जैसे सूचना मिली तो एकदम से सदमा आ गया, वास्तव में क्या होगा ये राजू पंजाबी। तो कुल मिला के बहुत ही गरीब परिवार से ये बच्चा निकला है, और आज के लिए इससे कई घरों के चूल्हे जगते थे, लेकिन आज ये बहुत विडंबना दुख की बात है कि आज हमारे बीच राजू पंजाबी नहीं रहा। इसके लिए भगवान इनको सत सत नमन और चरण। आप रावत, बिल्कुल रावत से हूँ मैं, मनोनीत पार्षद हूँ नगर पालिका रावत से। ये खास भूमिका इनकी रही है। आगे बठिंडा भेजने मदन पारी का नाम है मेरा, और छोटा था, गुरु जी बता रहे थे एक बदन बांधता था, तो मेरे पास आया कि भाई साहब मेरी भी कोई कैसेट, ऑडियो का काम था अपना कैसेटों का। तो उस टाइम चेतक कंपनी की, और दिल्ली की कंपनियां थी, चलती थी, टाइम था 2000 का सन 2000। तो क्या मेरी भी कोई रिकॉर्डिंग करवा दो भाई साहब। तो एक बालाजी की रिकॉर्डिंग करवाई, उसमें उसका वो नंबर बिका सादा सर में, उसका नाम रोशन हुआ। लेकिन आज ये बात सुन के दुख हो रहा है। नमस्ते।